तो आज केदारनाथ धाम ना दरवाजा संपूर्ण विधि विधान साथे भारत ने विदेश ना भक्तों माटे खोलवामां आव्या। आ दरमियान मोटी संख्या में भक्तों उपस्थित रहा। उत्तराखंड ना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पण पहुंच्या। दरवाजा खोलवाना प्रथम दिवसे हजारों भक्तों धाम में पहुंची गया। धाम में यात्रिकों माटे आस्था नो मार्ग बनावामां आव्यो छे। आ साथे ज गंगोत्री अने यमुनोत्री धाम में पण આજે દેશ વિદેશના શ્રદ્ધાળુઓ માટે ખોલવામાં આવશે। નિયત સમય અનુસાર ધાર્મિક વિધિઓ અને ધાર્મિક પરંપરા મુજબ કેદારનાથ રાવલ ભીમાશંકર લિંગ મુખ્ય પૂજારી શિવશંકર લિંગ પ્રશાસન બી કે ટીસી અધિકારીઓ અને સ્થાનિક લોકો અને ભક્તોની હાજરીમાં દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા હતા। વહીવટીતંત્રની હાજરીમાં મુખ્ય દરવાજાનું તાળું ખોલવામાં આવ્યું હતું। આ પછી ગર્ભગૃહનો દરવાજો ખોલવામાં આવ્યો। રાવલ અને મુખ્ય પૂજારીઓએ ગર્ભગૃહમાં પૂજા અર્ચના કરી હતી। તમને જણાવી દઈએ કે દેશ અને દુનિયાના પ્રખ્યાત કેદારનાથ ધામના દરવાજા ખોલવાની ભક્તો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે। જ્યારે કેદારનાથ ધામના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા ત્યારે બાબા કેદારનાથની વિધિવત પૂજા કરવામાં આવી। જો કે ઉત્તર ભારતમાં પૂજાની પદ્ધતિ થોડી અલગ છે, પરંતુ બાબા કેદારનાથમાં પૂજા દક્ષિણની વીરશૈવ લિયાંગત પદ્ધતિ અનુસાર કરવામાં આવે છે। રાવલ મંદિરમાં સિંહાસન પર બેસે છે, જેને મુખ્ય પણ કહેવામાં આવે છે। है मैंने पीर जाने के बाद आज जो है लंबे इंतजार के बाद जो आज माँ गंगा के कपाट वैदिक मंत्रों के द्वारा 12:25 पे खोल दिए जाएंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं हमारे पीछे जो है गंगोत्री धाम के जो मंदिर है पूरी तरह से फूलों से सजे हुए हैं। इस वक्त जो है हाँ आपको बता दें कि जो ये जो फूल सजे हुए हैं दिल्ली से एक वेडिंग पार्टी के एक संस्था है जिन्होंने यहाँ पे आके जो है 17 क्विंटल फूलों से इस समय माँ गंगा के मंदिर को सजाया है। और अब कुछ ही घंटों बाद जो है इसके बाद यहाँ माँ गंगा की उत्सव डोली पूछेगी और उसके बाद 6 मास के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाएगी। महावीर राणा, इंडिया न्यूज, उत्तरकाशी। 12:25 पर माँ गंगा के जो शीतकालीन के जो प्रवास के उपरांत आज हम गंगोत्री धाम में पहुंच गए हैं और ये चाबी मैंने अभी अपने इस बैठे में ली हुई है। इसके उपरांत समस्त तीर्थ यात्रियों के लिए दर्शनार्थ माँ गंगा की यहाँ पे पहुँच जाएगी और हमारे माँ गंगा के गर्भगृह के दर्शन हो सकेंगे। आप सभी देशवासियों को भगवती गंगा की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।